it. And it's our 50th anniversary of the vlog. And it is most probably my last vlog. Shut up. ये ज़्यादा बन के दिखा रही हो, और कुछ नहीं अभी ये. This is after effects of Big Boss 14 season 2. Hello guys, आज हम जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन. तो हमारा जब 20वां व्लॉग था तब हमने सोचा था जाएंगे. हमने बहुत पहले का सोचा हुआ था. पहले सोचा था. हाँ. तो लेकिन होते 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 फिर हमने सोचा कि चलो होते होते अच्छे से दिन जाएंगे. और आज मुहूर्त निकला है क्योंकि आज ये भी आई है, ये हाइबरनेशन पे गई हुई. हाँ तो गाइस हम आ गए ऐसे करके. हाँ. मुझे सिखा रही है. और ये ऐसे करके. हाँ, और ये अपनी उंगली देखी हो. अरे तो वो तो पढ़ गए ही ना, तो तब ऐसे करके बनाएगी. देख ऐसे करके तूने दूसरों को दिखा दिया, इसमें क्या मस्त एंगल आ रहे. देख तो रूपाली भूल गई. रूपाली ने हमें एक नया एंगल सिखाया है कि अब आज से हमारे ब्लॉग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा कि पीछे का व्यू भी अच्छा आ जाता है और हमारा भी व्यू है जो अच्छा आ जाता है. तो एंट्री कहाँ है इसकी रूपाली, कहाँ से लेंगे? अच्छा सामने ही है. ओके बोला कुछ इल्यूजन सा होगा. इल्यूजन ही हो रहा है यहाँ पे आके. गाइस आपको लग रहा है ना कि पलक पतली लग रही है इस एंगल में, यही इल्यूजन है. यहाँ पे सब तोड़ फोड़ भी सकता हूँ. यहाँ पे कुछ सीक्रेट काम हो रहा है, चेकिंग हो रही है हमारी. और क्योंकि पलक ने बहुत कुछ चीजें छुपा रखी है तो उसको टाइम लगेगा, इस बार हम वेट करते हैं. यही मैंने बोला. अब इधर है. ओह माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं. ये हरकत कर रहे थे तो हमारे पीछे वाले यही सोच रहे थे कि यार ऐसे भी लोगों को आने देते हैं ये लोग. सोच रही थी तभी होश होगी. इधर चल, इधर चला मैं उधर चला, जाने का किधर चला. अरे फिसल गया, फिसला ये तूने ऐसे करते आपके लिए रूपाली मेंटली फिजिकली शूली रेडी हो रही है. इसके लिए और इतने पैसे क्या? इधर तो फिर मैं कहीं भी और ये एग्जिट है. अबे इतना भी नहीं पूरा इसका इसका दिमाग घूम चुका है. अडल्ट बच्चा भी तो मेरी है सुपरविजन. और पलटी जाऊंगी.
छोटी बच्ची
दीदी पागल लग रही थी लग रहा भाई। इधर असली इल्यूजन तो था ये कि इधर एक तरफ हमें दिख रहा है रेक्टेंगल और दूसरी तरफ जब जा रहे हैं तो दिख रहा है ट्रायंगल, और हम ये सोच रहे कि शायद इसके अंदर ये जो फोटोज हमें उधर की तरफ दिख रही है वो है असली इल्यूजन। सिली ऑफ अस। ये कैसे तू उधर भी थी? तू इधर भी है? इधर आई जल्दी से। कैसे है ना? बहुत ही बुरा। एडम्स एप्पल इतना दिख रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका ऊपर की तरफ है एडम्स एप्पल। अब देखना, रेडी स्टेडी गो। मेरे शरीर का है अभी कल लेके आऊंगी कल आता। अब वापस इसको गायब कर दूं। अब आएगी पलक यहां से। ये इतना महंगा बैग कहां से लाई तू? कहां से लाई इतना महंगा बैग? रूपाली ने जो मेरा हाथ करा था मैं उसका हाथ करूं क्योंकि मैंने उसकी शक्तियां ले लिया है। इतना सा ये नींबू आधा इसको निचोड़ो। रूपाली मुड़, कहाँ जा रहे हैं रूपाली? हम दिल थाम के बैठे गाइस, फिर से हम मल्टीपल हो गए। पलक अपना गूची उधर मत रख यार। अरे पलक जाने के अबे
पलक कहाँ है पलक तेरा सेमीफाइनल स्टंट आ गया है देखते तेरे ने कितना वो है स्टेमिना हाँ माइंड स्टेमिना अगर से ये कलर है ठीक है ये कलर बोल पर्पल येलो पर्पल ब्लैक रेड पर्पल ग्रीन ब्लैक रेड येलो ग्रीन पर्पल ब्लैक पर्पल रेड ग्रीन तेरा तो ऐसा लग रहा है कि बस डाल दिया वो मैंने खोला था तो ये मेरा है बस वालों एंडमॉल वालों अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहो तो ये ध्यान रखना एंडमॉल तो ये ध्यान रखना कि आएंगे जोड़े में और जाएंगे जोड़े में भाईचारा वन टॉप भाईचारा बहन चारा सबका चारा वन टॉप और हमारी तो हाँ है अभी से बस घर से बात कर इसकी बाप दिखाओ सबको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अनबॉक्सिंग अब अनफॉइलिंग होएगी अनफॉइलिंग कर कुछ नहीं आएगी कुछ नहीं आएगा गाइस दिख रही है आपको एक बाइट खिला व्यूअर्स को गिफ्ट किया व्लॉग के लिए कांग्रेचुलेशंस तेरे को करना चाहिए हम दोनों को कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस वाओ तो फिर उसमें बना रही होगी ना वन में 0.5 बनाया मैंने बदतमीज खिला सबको आ न्यू 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 हैप्पी 50th व्लॉग को पलक चावड़ी गुजर गुजर आपको थोड़ा सा हम इल्यूजन के बारे में बताना चाहते हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन तो अगर आप वीकडेज पर हो वीकेंड्स पर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 50 रुपये का था या 40 रुपये का था हाँ सिर्फ 40 रुपीज़ में अभी वीकडेज का टिकट है 650 रुपीज़ और हाँ उसमें है 699 तो आप कभी भी आ सकते हो ज़्यादा फन कब आएगा नहीं तुझे खाएगी मत खा यार लॉलीपॉप देखो ये बच्ची अभी तक बड़ी नहीं हुई है चल दोनों ले लेते हैं सबसे पहले घर पे जाते क्या काम करेगी कपड़े चेंज मुंह धोऊंगी मैं फ्रेश होंगी चीयर्स
दूर से गिली खड़ी हुई वो बेकार है, उसने पुनीत के बारे में बहुत कुछ बोला था। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ इल्यूजन था नहीं, पर वो छोटी सी जगह यार, जितना हमने चोट लग रही एक्सपेक्ट किया ना, ज्यादा एक्टिंग कर ली उधर, ये तो ज्यादा बन के दिखा रही थी, ये हमें स्टंटबाजी करके दिखा रही थी। पर इससे अच्छा पता है क्या है, नेशनल साइंस सेंटर, ओ हमारी फर्स्ट ट्रिप थी वो, उधर से हमारा व्लॉग्स का चालू हुआ था, नहीं व्लॉग्स का नहीं, लेकिन उधर से हमें आइडिया लगा था हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा घूमना शुरू हुआ था, मतलब हम ऐसे फर्स्ट टाइम गए थे साथ में, ट्रिप थी हमारी नेशनल साइंस सेंटर, और इतना फन था वो कसम से, मतलब बाहर से मुझे लगा नहीं था वो इतना बड़ा होएगा, मैं लेके गई थी। गाइस बैटरी बहुत कम है और अभी बहुत दूर का रास्ता है नापना है और भीड़ बहुत हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमें ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। पर हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको म्यूजियम ऑफ इल्यूजन जाने का मन है तो महाना चौकी साइंस सेंटर साइंस सेंटर वो बेटर और वो बहुत बड़ा, वहाँ पे टाइम लिमिट भी नहीं है, बट बाय करते हैं।